अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दौलत रुतबा और इख्तियार मिलने पर इंसान बदलता नहीं बल्कि उसका असली चेहरा सामने आता है। गम की कैफियत में मजबूत हो जाओ। मजबूत होने का तरीका ये है कि किसी अच्छे काम में मसरूफ हो जाओ। गुफ्तगु ही बता देती है कि तरबियत हुई है या फकत पाला गया है। खुदा की मदद इंसान की कोशिश के मुताबिक आती है। तमाम मखलूक में अल्लाह ताला की बारगाह से ज़्यादा दूर वो शख्स है जो मालदार होकर बुखल करे। या रब मेरी खुशी से ज़्यादा तेरी रज़ा ज़रूरी है। जो मेरे हक में बेहतर हो बस वहीं फ़ैसला करना। जब तुम्हारी रूह तुम्हें तलाश कर रही है तो उसके लिए रास्ते को रोशन करो। फिक्र ना करें, लोग भूल जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला नहीं भूलता। ना आपकी नेकी और ना दूसरों की ज्यादती। जब बेजर हो जाओ तो सदका से अल्लाह के साथ तिजारत करो। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। अपने रब का जिक्र करने वाला जिंदा की मानद जबकि जिक्र ना करने वाला मुर्दा की मानद है। अनकरीब अल्लाह की मदद नामुमकिन जरियों से तुम तक आएगी। जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे उस मोमिन बंदे का जिसकी मैं कोई अजीज चीज़ दुनिया से उठा लूं और वो उस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले तो उसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। हरगिज़ गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है।